आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। आज के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और हम लोग इस प्रोग्राम में क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स हटके कोई चीज। वो क्या है, ऐसा है, मैंने आउट ऑफ द सिलेबस बहुत टॉपिक्स कलेक्ट किए हैं जो मैंने अलग अलग फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट भी किए हैं। तो आउट ऑफ द सिलेबस का जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि हर घर में कुछ खुशी होनी चाहिए, हर घर में जॉयफुलनेस होनी चाहिए, देर शुड बी एन हेल्दी एटमोसफेयर इन एवरी हाउस। तो हाउ कैन वी एनालाइज दैट देर इज अ हेल्दी एटमोसफेयर, कैसे देख सकते हैं हम इस चीज को, हम इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं और पामिस्ट्री हमें कैसे हेल्प कर सकती है एक बहुत पीसफुल एटमोसफेयर बनाने में। पामिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप देखेंगे तो आपके हाथ पे वो सारे क्वालिटीज लिखी होंगी जो आपको इस चीज में हेल्प करेंगी कि कैसे आप अपनी लाइफ को जॉयफुल बना सकते हैं, कैसे आपके घर में खुशहाली आ सकती है, कैसे आपके घर में सुख शांति आ सकती है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी कि इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है लव। लव इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ हैप्पीनेस। लव इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ हैप्पीनेस। और आपके सामने ये वाला क्वेश्चन लेके बहुत लोग आएंगे कि मेरे को प्यार नहीं मिलता, या मैं किसी को अगर प्यार भी करता हूँ तो मुझे रिटर्न में प्यार नहीं मिलता, या कोई मेरे प्यार को नहीं समझता, कोई मेरे प्यार को नहीं पहचानता। उसका एक रीजन है, ऐसा है कि हर घर हर पर्सन की लाइफ में प्यार होता है, वो प्यार से भरा हुआ होता है, लेकिन उसको अपना प्यार जतलाना जतलाने का तरीका अलग होता है, या उसको अपना प्यार जतलाना ही नहीं आता, या वो कई बार कुछ काम करके सोचता है कि मैं प्यार दिखा दूंगा, कई बार वो गिफ्ट ला के सोचता है मैं प्यार अपने प्यार को दिखा दूंगा। तो इसी कंफ्यूजन में घर का माहौल एटमोसफेयर सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें उस टॉपिक पे सबसे पहले बात करनी चाहिए कि हम किसी के पर्सन के हाथ में प्यार कैसे देख सकते हैं, कि क्या वो सच में प्यार करता है या नहीं, और वो किस किसको प्यार करता है। और जैसे मान लीजिए एक लेडी आके आपसे कंप्लेंट करेगी, मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं। तो हम 1 मिनट में उनके हाथ में देख लेते हैं कि इज ही लविंग पर्सन और नॉट, क्या वो अपनी फैमिली को प्यार करते हैं या नहीं, क्या वो अपनी वाइफ को प्यार करते हैं। नहीं, हम कहते नहीं, सर तो करते हैं, आज हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स पामिस्ट्री से ढूंढ लेते हैं, और जब आप ये क्वेश्चन के आंसर्स पामिस्ट्री से ढूंढ लेते हैं तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर हम एक हाथ ड्रॉ करें तो इस हाथ को जब हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, एक बड़ा सा हैंड है हमारे पास, हमने आप लोगों के सामने एक हाथ प्रेजेंट किया है, ठीक है। हम सबको ये पता है कि यहाँ पर हमारी हेडलाइन होती है, यहाँ पर हमारी हार्ट लाइन होती है, और यहाँ से लेकर ऐसे हेडलाइन से ऐसे एक राउंड सर्कल में हमारी एक लाइफ लाइन होती है, ठीक है। इस लाइन ये लाइफ लाइन होती है, यहाँ पर हमारा माउंट ऑफ मार्स होता है, यहाँ पर हमारा माउंट ऑफ मून होता है, यहाँ पर भी हमारा माउंट ऑफ मार्स इतने पोर्शन में आ जाता है। तो ये हमारे लाइन्स हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हैप्पीनेस की, फैमिली हैप्पीनेस, फैमिली प्रोस्पेरिटी, फैमिली पीसफुलनेस, उसका इंग्रेडिएंट है ये हमारी लाइफ लाइन। ये लाइफ लाइन जितनी स्मूथ होगी, इसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, इसके साथ फेल्ट लाइन जितनी साथ में इसके जुड़ी हुई होगी, उतना ही उस पर्सन के घर में फैमिली हैप्पीनेस हो सकती है। ये आपको इंग्रेडिएंट जब मिल जाएगा आप समझ जाएंगे कि इस पर्सन के हाथ में हैप्पीनेस, जॉय एंड प्रोस्पेरिटी है। लेकिन क्या ये खुद खुश है?
हैप्पी पर्सन, डज ही शो हिज लव, डज ही लव एवरीबडी, इज ही सेल्फिश, इज ही सेल्फ कंसर्न्ड, इज ही कंसर्न्ड फॉर अदर्स, मल्टीपल क्वेश्चंस है यहाँ पर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हमें उसके हार्ट लाइन से मिलेंगी, हार्ट लाइन्स। जो हार्ट लाइन्स होती है ये हमारे इमोशंस को शो करती हैं कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं, और आप अपने इमोशंस किस किस को शो करते हैं। जैसे मैंने ये नीचे माउंट्स बनाए, इसी तरीके से हमारे ऊपर भी माउंट्स बनते हैं। यहाँ पर हमारा जुपिटर का माउंट बनता है, यहाँ पर हमारा सैटर्न का माउंट बनता है, यहाँ पर हमारा सन का माउंट बनता है, और यहाँ पर हमारे मरकरी का माउंट बनता है। अब ये जो हार्ट लाइन है ये इमोशंस की लाइन है, तो ये सारा गेम खेलती है कि सामने वाला अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है। क्या वो अपने आप को एक इमोशनल पर्सन शो करता है, या वो अपने आप को एक प्रैक्टिकल पर्सन शो करता है, या उसको कोई कंसर्न ही नहीं है फैमिली के लिए, क्या वो बहुत लविंग एंड केयरिंग है, वो किस टाइप का पर्सन है। तो जब उसकी ये वाली लाइन ऐसे आती है और इस माउंट के नीचे रह जाती है, ऊपर तक जाती ही नहीं है माउंट पर, तो ऐसा पर्सन सेल्फ कंसर्न्ड होता है। जब उसकी लाइन उसके माउंट के नीचे रुक जाती है, सैटर्न माउंट के नीचे आके, तो दैट पर्सन इज सेल्फ सेंटर्ड, वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए सोचता है। तो क्या वो ऐसा पर्सन इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, जॉयफुल लिविंग में? नहीं करेगा। इस घर में बहुत खुशहाली है लेकिन इस मेंबर की कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड है, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, इसको कोई कंसर्न नहीं है कि मुझे घर और घर में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये लाइन माउंट से की तरफ चली गई, यहीं पे थिंकिंग चेंज हो जाती है, वो अपनी फैमिली के लिए कंसर्न है। जहां उसकी लाइन माउंट के ऊपर चढ़ी तो वो प्यार के जोन पे आ जाती है, ठीक है, वो प्यार के जोन पे आ जाती है। जैसे ही वो प्यार के जोन पे आ जाती है तो वहीं पर उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। उसमें भी अगर एक डायमंड बन जाए ऊपर, तो ही लव्स हिज फर्स्ट फैमिली द मोस्ट, उसके वाइफ हस्बैंड या बच्चे या लवर जो भी होता है उसको, उनको इतने दिल से प्यार करता है कि उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसके मन में दिल से प्यार है उन लोगों के लिए, दिल से वो इतना अटैच होता है अपनी फैमिली से कि अपनी फैमिली की हैप्पीनेस के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि जो भी हम हैप्पीनेस और जॉयफुल लिविंग की बात कर रहे थे, वो हमारी लाइफ लाइन से यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और उसमें भी अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो और इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक पर्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लव का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। लव कहाँ से आता है? हार्ट लाइन से आता है। अगर यहीं रुक गया तो वो सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन अगर वो ऊपर चला गया तो वो फैमिली को प्यार करता है। फिर कई बार क्या होता है कि इसके साथ एक ब्रांच जुपिटर की तरफ चली जाती है। जुपिटर इज सोसाइटी, तो वो अपनी फैमिली को जितना प्यार करता है उतना ही वो सोसाइटी को भी प्यार करता है। वो इतना सेल्फलेस है कि वो अपनी फैमिली को जितना टाइम दे रहा है, अपने उससे प्यार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, कंसर्न है, लेकिन सोसाइटी के लिए भी कंसर्न है। उसमें भी अगर ये लाइन दोनों के बीच में आ जाए, दोनों फिंगर्स के बीच में, तो उसको दोनों फैमिली जगह पे बैलेंस करना आता है कि मुझे कितना टाइम अपनी फैमिली को देना है और कितना टाइम सोसाइटी को देना है, मुझे अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करके चलना है कि मैं जो सोसाइटी के लिए कर सकता हूँ वो करूँ, और जो मैं अपनी फैमिली के लिए कर सकता हूँ वो करूँ, और मैं फैमिली में सबके साथ अटैच रहूँ और अपनी सोसाइटी में उस फैमिली को लेकर एक खुशहाल जिंदगी बिताऊँ। इसी तरीके से जब ये लाइन नीचे बेंड हो जाती है और ये हमारे यहाँ आ जाती है, यहाँ पर हमारी मार्स की लाइन है, हेडलाइन है, सॉरी, हेडलाइन हमारी मदर की लाइन होती है, ये हमारी लाइफ लाइन है, ये फादर की लाइन होती है। तो क्या ये मदर फादर से प्यार करता है? यस। जितना ये अपनी फर्स्ट फैमिली के लिए कंसर्न है, जितना ये सोसाइटी के लिए कंसर्न है, उतना ही अपने पेरेंट्स के लिए भी कंसर्न है। अगर इसके पेरेंट्स कहेंगे कि तो मुझे प्यार नहीं करता, तो कहेगा मम्मी मैं प्यार करता हूँ आपको, लेकिन मुझे समाज को भी देखना है, मुझे बच्चों को भी देखना है, और मैं आपको भी देख रहा हूँ, तो मैं सबके बीच में बैलेंस करके चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्यार नहीं करता, बहुत दिल से प्यार करता हूँ। उसमें भी अगर ये लाइन और नीचे आ जाए, ये अपने ब्रदर सिस्टर्स को भी बहुत प्यार करता है, क्योंकि माउंट ऑफ मास जो होता है ये ब्रदर सिस्टर्स को रिफ्लेक्ट करता है।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कलीग्स को रिफ्लेक्ट करता है, तो क्वेश्चन आ गया कि क्या ये पर्सन लविंग एंड केयरिंग है, यस। क्या ये अपने फर्स्ट फैमिली को प्यार करता है, यस। क्या ये सोसाइटी को प्यार करता है, यस। क्या ये पेरेंट्स को प्यार करता है, यस। क्या ये ब्रदर सिस्टर्स को प्यार करता है, यस। और अगर ये वाली लाइन एक्सटेंड होकर एंड तक चली जाए तो ऐसे पर्सन अपने गुरु की तरफ भी डिवोटेड होते हैं, वो गुरु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, वो अपना गृहस्थी को निभाते हुए, गृहस्थ आश्रम को निभाते हुए समाज में किसी भी धर्म के साथ जुड़कर उनके लिए भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां जाके सेवा करते हैं, वहां जाके अपनी ड्यूटीज देते हैं, वहां जाके ध्यान लगाते हैं, वहां जाकर ध्यान में बैठते हैं। और ध्यान कैसे लगता है, जब आपका यहाँ पर केतु का फिश बनती है, इस तरीके से अगर केतु की फिश बन जाए, ऐसे लोगों के अंदर ध्यान की भावना होती है, ऐसे लोग ध्यान लगा सकते हैं। तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई उसकी कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ क्या, नहीं, अपने परिवार से प्यार करता हूँ, मैं समाज से प्यार करता हूँ, मैं अपने गुरुओं के लिए अपने आप को सरेंडर करता हूँ, मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ, मैं अपने भाई से प्यार, भाई बहनों से प्यार करता हूँ, मैं दोस्तों से प्यार करता हूँ, यहाँ पर मैं सेवा भाव लगाता हूँ, मैं मंत्र साधना करता हूँ, मैं दिखावे वाली पूजा नहीं करता। और फिर दोनों माउंट्स के बीच में यहाँ पर एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं माउंट ऑफ नेपच्यून, ये जब अगर फूल जाए ये वाला पोर्शन, तो ऐसे लोगों को दुनिया में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आता है सबसे प्योरेस्ट लव, सबसे अच्छा प्यार, जिसमें आप निस्वार्थ प्यार करते हैं, यू डोंट हैव एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, आप किसी के लिए भी प्यार कर सकते हो, किसी को भी उसके खुशी के लिए प्यार कर सकते हो। तो इन दोनों को के मिलाप से क्या होता है, यहाँ पर आता है धर्म और यहाँ पे आता है कर्म, ये धर्म पूजा है और ये कर्म पूजा है, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, धर्म पूजा और कर्म पूजा। तो एक व्यक्ति इस प्रकार सारी दुनिया को प्यार कर सकता है, सारी दुनिया को, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्फलेस लव कर रहा है, जो उसका सेल्फलेस लव है, ये दुनिया में किसी के लिए भी हो सकता है, किसी को भी हेल्प कर सकता है वो, किसी को भी प्यार कर सकता है वो, तो यहाँ पर उसका सेल्फलेस लव आ जाता है, वो इतना हेल्पफुल हो जाता है सबके लिए। तो लेकिन एक पॉइंट और आपको याद करना है कि जब भी लव लाइन में बैकवर्ड लाइन आती है तो क्या उसको प्यार मिलता है, हो सकता है वो आपको कंप्लेन करे कि मैं जितना मर्जी प्यार कर लेता हूँ लेकिन फाइनली मुझे कोई प्यार नहीं करता, वो उनको सब पीछा खींचते हैं, इसलिए उनको ये बोल सकते हैं कि आपको बिना स्वार्थ के प्यार करना है, बिना किसी इच्छा के प्यार करना है। तो अगर हर पर्सन अपनी लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को अपना ले, चाहे उसके हाथ में वो लाइन नहीं बनी, उसकी सोच से भी बन जाएगी, उसके कर्मों से बन जाएगी, वो जब उसको भगवान ने कर्म करने के लिए एक हाथ दिया है तो जब वो कर्म करेगा तो उसके कर्मों से भी ये लाइन बन जाएंगी। तो अगर वो अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी को, अपने धर्म को, अपने कर्म को, हर चीज को पूजा बना के एक इमोशनल बॉन्डिंग ले आएगा, एक लव ले आएगा उसके अंदर, तो लव फाइनली कहाँ ले जाएगा, यहाँ पर जो लव की स्टार आता है वो होता है लव फॉर योर लवर। अब यहाँ पर लव हमें सिर्फ एक लव नहीं देखना है, हमें सारे लव देखने हैं, तो ये लव क्या ले जाएगा, लव इज इक्वल टू अ हेल्दी हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी हेल्दी एंड लवली लाइफ, God bless you. May you have a sparkling life ahead. Thank you very much for listening to my video. I give consultations as well as classes also on palmistry. Jo bhi are interested ho, you can contact me on my mobile number 9899687066. I'll repeat 9899687066. You can contact me for classes as well as consultations on palmistry. Thank you for listening to my video. Once again, namaskar.